गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ सिविक्स दैट इज चैप्टर नाइन अ होल सेल मार्केट ठीक है इससे पहले हम लोग ने मार्केट अराउंड अस हमारे आसपास जो मार्केट्स होती हैं उसके बारे में पढ़ा था ना टूडे वी विल डिस्कस अबाउट अ होल सेल मार्केट लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट होल सेल मार्केट एज वी हैव ऑलरेडी लर्न सप्लाई प्रोडक्ट्स इन बल्क टू रिटेलर्स एंड वेंडर्स अब जैसे कि हम लोग ने पहले ही पढ़ा है कि जो होल सेल मार्केट्स होती है वो प्रोडक्ट्स जो है जो सामान होता है वो बल्क में सप्लाई करती है किसको रिटेलर्स को और वेंडर्स को होलसेल इज द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज एंड एट लो प्राइजिज टिपिकली टू बी सोल्ड अगेन बाई रिटेलर्स एट अ प्रॉफिट अब जैसे कि होलसेलर जो है वो क्या है होल सेल जो है ये एक बिजनेस है सामान को बेचने का जो कि एक बड़ी संख्या में बेचा जाता है कम प्राइस पे ठीक है और ये इस ये ध्यान में रख के सेल किया जाता है लो प्राइस पे ताकि जो रिटेलर्स हैं इसको दोबारा से बेच सके ठीक है और उस पर उन्हें प्रॉफिट मिले सो होल सेलर्स डू नॉट यूजुअली एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ाया है कि होल सेलर जो हैं वो अपने सामान का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं ठीक है ठीके? क्योंकि वो ऑलरेडी उसे लो प्राइस पे बेचते हैं तो इनका और बल्क में बेचते हैं तो इसका कोई भी एडवर्टीजमेंट वो नहीं करते हैं दिस इज बिकॉज होल सेलर सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू रिटेल बिजनेसिज एंड दस मस्ट प्रोटेक्ट देयर प्राइजिंग फ्रॉम रिटेल कंज्यूमर्स और ऐसा इसलिए वो करते हैं क्योंकि होलसेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट को रिटेल बिजनेस के के लिए सेल करते हैं एंड दस मस्ट प्रोटेक्ट देयर प्राइसिंग फ्रॉम रिटेल कंज्यूमर्स और ये अपने जो प्राइस होता है वो रिटेल कंज्यूमर्स जो होते हैं जो रिटेलर्स से जो, के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनसे बचाते हैं मतलब उनसे प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उनको जो बल्क में वो रेट में सामान दे रहे हैं वो एक्चुअल कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको प्राइस ना पता चले ठीक है ताकि रिटेलर्स को भी प्रॉफिट हो So, if consumers are able to purchase goods directly from a wholesale market and become aware of wholesale pricing, then the retail buyers would lose faith in the wholesalers. तो इफ़ कंज़्यूमर अगर कंज्यूमर जो हैं वो सामान डायरेक्टली होलसेल मार्केट से ही खरीद लेगा तो वो उस वहाँ के प्राइस के बारे में अवेयर हो जाएगा उसे पता चल जाएगा कि होलसेल में वो सामान कितनी की कीमत का मिलता है तो जो रिटेलर बायर्स होते हैं उनका विश्वास जो है वो होल के ऊपर से उठ जाएगा तो इसी लिए जो है अपने सामान का एडवर्टीज़मेंट नहीं करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो उनका प्राइस है वो रिटेल कंज्यूमर से बचा रहे हैं However, इन सम parts ऑफ our कंट्री कंज्यूमर्स आर एबल टू एक्सेस एंड परचेज products, especially एग्रीकल्चरल ones, डायरेक्टली from wholesalers. अब हालांकि कुछ हिस्से जो हैं हमारे देश के वहाँ पे कंज्यूमर जो हैं वो सामान को जैसे एग्रीकल्चर का जो सामान होता है ज़्यादातर कृषि का जो सामान होता है वो डायरेक्टली होल सेलर से ही खरीदते हैं सो होल सेल मार्केट खरीब औली अब हम लोग एक होल सेल मार्केट खरीब ऑली के बारे में पढ़ेंगे खरी बॉली इज़ द नेम ऑफ़ अस्टोरिक रोड इन ओल्ड दिल्ली दैट फंक्शंस एज अ होल सेल स्पाइस मार्केट खरी बॉली जो है वो एक हिस्टोरिक रोड है न, पुरानी दिल्ली की जहाँ पे होल सेल स्पाइस मार्केट है ठीक है जहाँ पे होल सेल में जो मसाले होते हैं उसकी बाजार लगती है इट इज़ लोकेटेड नियर द रेड फोट एंड चांदनी चौक एरिया और ये कहाँ स्थित है ये रेड फोर्ट और चांदनी चौक एरिया के पास स्थित है खरी बॉली इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट होल सेल स्पाइस एंड कर्निमेंट्स मार्केट हेयर स्पाइसिस हर्बस राइस टी एक्सेट्रा हैव बीन सोल्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज सिंस द सेवनटीन सेंचुरी खरी बौली जो है वो एशिया की सबसे बड़ी होल सेल स्पाइस की बाज़ार है म, मसालों की बाज़ार है और यहाँ पे जो स्पाइसिस हर्ब्स चावल और चाय ये सब जो है वो बड़ी संख्या में बेची जाती है सेवनटीन सेंचुरी से दो इट इज़ अ होल सेल मार्केट वन कैन स्टिल परचेज स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ द आइटम्स ऑन डिस्प्ले और हालांकि ये होलसेल मार्केट है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लोग जो है वो छोटे संख्या में भी स्मॉल क्वांटिटी में भी सामान खरीद सकते हैं जो भी डिस्प्ले होता है बाजार में मोस्ट ऑफ द शॉप्स हेयर आर नोन बाय देयर नंबर्स और ज़्यादातर जो शॉप्स हैं यहाँ की वो नंबर के द्वारा जानी जाती हैं सम ऑफ देम आर ओवर अ कंट्री सेंचुरी ओल्ड और कुछ इनमें से जो दुकान है जो बहुत ही पुरानी है क्राउड्स ऑफ शॉपर्स कम हेयर फ्राम ऑल ओवर डेली एंड आउटसाइड इन सर्च ऑफ द चीपेस्ट डील्स एंड बारगेनस और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं दुकानदार जो हैं वो पूरी दिल्ली के आस पास के एरिया से और दिल्ली के बाहर से लोग आते हैं ढूंढते ढूंढते जिनको यहाँ पे चीपेस्ट सस्ते से सस्ता और बार्गेन करके सामान मिल जाए द मार्केट अट्रैक्ट अलार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स फ्राम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिट्रीज लाइक मध्य प्रदेश राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर और ये जो मार्केट है ये बहुत सारे लोगों लोगों को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है इन राज्यों से जैसे और यूनियन टेरिटरी से जैसे कि मध्य प्रदेश राजस्थान जम्मू एंड कश्मीर से स्पाइसेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन बी फाउंड और यहाँ पे पूरे विश्व के जो मसाले होते हैं वो पाए जाते हैं नेक्स्ट इज प्रॉफिट मार्जिन द प्रॉफिट मार्जिनस डिपेंड ऑन द सेलिंग प्राइस डिसाइडेड बाई द ट्रेडर्स अब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो किस पर निर्धारित होता है वो सेलिंग प्राइस पे कि कितनी कीमत पे सामान बेचा जा रहा है और यह डिसाइड किया गया है ट्रेडर्स व्यापारी के द्वारा When द prices आर लो द ट्रेडर्स आर एबल टू सेल मोर लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स जब प्राइसेस जो हैं वो कम होते हैं तो जो व्यापारी होते हैं वो अपने सामान को ज़्यादा बेच पाते हैं मतलब ज़्यादा प्रॉफिट पे। इफ़ द प्राइसज आर टू हाई अगर प्राइसेज जो है वह बहुत ज़्यादा हाई होते हैं देन द कस्टमर्स आर एनेबल टू बाई लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स लीडिंग टू रिड्यूज प्रोफि तब लोग जो है जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादातर सामान मतलब लार्ज अमाउंट में चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं और इससे जो है उनका प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है अ प्रोडक्ट रीच इज द रिटेल स्टेज आफ्टर द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन असेंबली सॉटिंग पैकिंग रीअसेंबली एंड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट जो है वो रिटेलर तक का रिटेल स्टेज तक का पहुंचता है जब प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है असेंबली हो जाती सॉर्टिंग हो जाती मतलब छाट लिया जाता है सामान पैकिंग हो जाती है रीअसेंबली हो जाती फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है तब उसके बाद ये रिटेल स्टेज पर पहुँचता है दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क थ्रू विच द प्रोडक्ट्स रीच द कंज्यूमर्स और ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुँचता है होल सेलर बाइज गुड्स फ्राम द प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स एंड स्टोर्स दैम इन वेयर हाउसेज और होल सेलर जो हैं वो सामान को ख़रीद लेते हैं प्रोड्यूसर्स या किसानों से फार्मर्स से और उसको अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करते हैं द होल सेलर दैन प्राइज़ टू तो फिक्स द प्राइज ऑफ अ कमोडिटी और फिर उसके बाद होल सेलर जो है वो उस सामान की कीमत को फ़िक्स करते हैं प्राइसेस आर नॉर्मली डिसाइडेड बाय नेगोशिएशन और ऑक्शन सिस्टम और प्राइस जो है वो नेगोशिएशन या ऑक्शन सिस्टम के द्वारा डिसाइड करते मतलब नेगोशिएट करके ही प्राइस को डिसाइड किया जाता है मैनी brokers कॉल्ड दलाल्स आर involved इन दिस सिस्टम और बहुत सारे ब्रोकर जो होते हैं जिन्हें दलाल कहते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं इस सिस्टम में दे चार्ज अ फी फॉर द डील्स दैट दे नेगोशिएट और ये जो नेगोशिएशन होता है प्रोड्यूसर uh, और होल सेलर के बीच में उस नेगोशिएशन की ये फ़ीस लेते हैं ठीक है ये एज अ मीडिएटर काम करते हैं फार्मर्स समाइम्स ट्राई टू सेल गुड्स टू होल सेलर डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर और इंटरमीडिएट्स इन ऑर्डर टू अर्न अ हायर प्रॉफिट और किसान जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपने अपने प्रोडक्ट को अपना सामान को होल को डायरेक्ट बेचें बिना ब्रोकर या इंटरमीडियरीज़ की मदद से ताकि वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सके क्योंकि वो इंटरमीडियरीज़ की या ब्रोकर की हेल्प लेते हैं तो फिर उन्हें उसका भी फी चार चार्ज पे करना पड़ता है तो इसलिए उनको उससे नुकसान हो जाता है तो ये कोशिश करते हैं कि होल से ये डायरेक्टली अपना सामान बेच सकें और हायर प्रॉफिट अर्न कर सकें होल सेलर्स देन सेल द प्रोडक्ट्स टू द रिटेलर्स प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड इवन टू एक्सपोर्टर्स और फिर उसके बाद होलसेलर जो होते हैं वो अपने उस प्रोडक्ट को रिटेलर्स को बेचते हैं बीच में जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं उनको सेल करते हैं या फिर एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करते हैं इंडियन स्पाइसिस हैवे ग्रेट डिमांड नेशनली एंड इंटरनेशनली और जो इंडिया भारत के मसाले हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर सो अ लॉट ऑफ दीज आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़ तो इसलिए ज़्यादातर ये जो मसाले हैं ये दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं होल सेलर्स एंड इंटरमीडियट मेक मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द डील्स और होल सेलर्स और इंटरमीडियट जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रॉफिट डील से लेते हैं इट इज़ यूजली द फार्मर द एक्चुअल प्रोड्यूसर हु गेट्स द लीस्ट शेयर इन द प्रॉफिट और ये सिर्फ किसान होता है जो कि एक्चुअल प्रोड्यूसर होता है जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया होता है वो सबसे लास्ट में सबसे कम शेयर उसे मिलता है इफ़ द नंबर ऑफ बायर्स इज सब्सटेंशली लेस दैन द नंबर ऑफ़ सेलर दैन देयर आर चांस ऑफ प्राइज फ्लक्चुएशन ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट अब अगर जो नंबर ऑफ़ बायर्स हैं वो कम हैं नंबर ऑफ सेलर्स से मतलब जो खरीदार हैं वो सेलर्स से कम होते हैं तो यहाँ पे चांस होता है प्राइस फ्लक्चुएशन का मतलब प्राइस जो है वो घट बढ़ सकता है कमोडिटी का मार्केट में होलसेलर्स एंड इवन फार्मर्स देन एम्प्लॉय ब्रोकर्स टू नेगोशिएट डील्स फिर उसके बाद होलसेलर्स और जो फार्मर्स भी होते हैं वो भी ब्रोकर्स को एम्प्लॉय करते हैं हायर करते हैं ताकि उस डील को नेगोशिएट कर सकें दिस रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन इवन मोर और इससे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और कम हो जाता है नेक्स्ट इज एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट अब सरकार के द्वारा क्या कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में द गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट्स टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स सरकार ने जो एफर्ट्स लिए ताकि जो फार्मर्स हैं उनको उनके इंटरेस्ट को सेव कर सके मतलब आ, उनके हित में कुछ काम कर सके तो इट इंश्योर्स डेट फार्मर्स आर केप्ट इंफॉर्म्ड अबाउट क्रॉप्स एंड देयर अनकीप थ्रू द यूज़ ऑफ़ मीडियम्स लाइक फ़ोन टी वी प्रोग्राम्स एंड इवन द इंटरनेट अब ये जो सरकार है ये सुनिश्चित करती है कि जो किसान हैं उन्हें उनकी फसलों के, के बारे में उनके क्रॉप्स के बारे में बताया जाए उनको उसके बारे में जानकारी दी जाए किन माध्यम से फ़ोन के टी वी प्रोग्राम्स के या फिर इंटरनेट के माध्यम से थ्रू वेरियस स्कीम्स लाइक ग्रामीण भंडारण योजना एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ क्वालिटी सीड्स गुड क्वालिटी सीड्स फ़र्टिलाइजर्स स्टोरेज फैसिलिटीज़ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर सप्लाइड टू द नीडी फार्मर्स ठीक है तो जैसे कि कुछ स्कीम्स के द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना या सेंट्रल सेक्टर स्कीम जैसे कि डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज़ करना और बेहतर बनाना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ क्वालिटी सीड्स मींस अच्छी क्वालिटी की सीड्स मिलनी चाहिए किसानों को गुड क्वालिटी सीड्स फ़र्टिलाइजर्स स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए टूल्स और इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए जो कि ज़रूरतमंद फार्मर्स हैं उन्हें सप्लाई किया जा सके द रूरल गोडाउन स्कीम हेल्प्स द फार्मर्स बाई प्रोवाइडिंग दम साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज टू इंश्योर दैट देर प्रोड्यूस डज नॉट पेरिश और जो रूरल गोडाउन स्कीम है वो मदद करती है किसानों को जो कि साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी देती है जो कि यह सुनिश्चित करती है कि जो भी उनका प्रोडक्शन है वो खराब ना हो सके द एग्रीकल्चरल मार्किटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क हैज़ ऑल्सो बीन सेटअप और एग्रीकल्चरल मार्किटिंग इन्फॉर्मेशन नेटवर्क भी सेटअप किया गया सरकार के द्वारा एट इंटरलिट लिंक्स मोर दैन टू थाउजेंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स कवरिंग अबाउट थ्री हंड्रेड कमोडिटीज़ फॉर रेगुलर रिकॉर्डिंग एंड डिसमिनेशन ऑफ प्राइजेज और ये जो है जोड़ के रखता है दो हज़ार से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि कृषि का उत्पादन करती हैं उन बाजारों को कवरिंग अबाउट थ्री हंड्रेड कमोडिटीज जिसमें तीन सौ से ज़्यादा कमोडिटीज़ होती हैं फॉर रेगुलर रिकॉर्डिंग रोज के रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग एंड डिसमिनेशन ऑफ प्राइज इन सबको ये एक दूसरे से जोड़ के रखता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एनेबल कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर बेटर प्राइजेस और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो ये है कि जो कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है और जो जानकारी है उसके बारे में किसानों को पता हो ताकि उन्हें उसका बेटर प्राइस मिल सके दिस अलाउज फार्मर्स टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेयर प्राइजेस फॉर देयर प्रोड्यूस और ये अलाउ करता है किसानों को कि वो उनके अच्छे से समझ सकें कि उनके सम, जो प्रोड्यूस वो कर रहे हैं उसके लिए सही कीमत क्या होती है ठीक है क्या होनी चाहिए तो द इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस और ये जो जानकारी है ये हर अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती है ताकि लोग उसे समझ सकें नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू ट्रेंड्स अ न्यू ट्रेंड हैज़ बीन सीन वेयर डायरेक्ट लिंक आर क्रिएटेड बिटवीन द प्रोडूसर एंड द सुपर मार्केट चेंस और डिपार्टमेंटल स्टोर न्यू ट्रेंड जो है वो देखा जाता है वहाँ पर जहाँ पर डायरेक्ट लिंक होता है और यह बनाया जाता है किसके बीच में प्रोड्यूसर या फिर सुपर मार्केट चेन या फिर डिपार्टमेंटल स्टोरस के बीच में ठीक है प्रोड्यूसर और सुपर मार्केट चेन और डिपार्टमेंटल स्टोरस के बीच में जो डायरेक्ट लिंक क्रिएट होता है उसे उसे हम न्यू ट्रेंड में देखते हैं तो इन दिस वे द रोल ऑफ द होल सेलर एंड द इंटरमीडियटीज इज रिमूव फ्राम द चेन और इस तरीके से जो रोल होता है होल सेलर्स का या फिर इंटरमीडिएट का वो इस चेन से हटा दिया जाता है रिमूव हो जाता है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्किटिंग और इससे क्या कहा जाता है डायरेक्ट मार्किटिंग फाइव स्टार होटल एज वेल एज स्मॉल एंड लोकल होटल ऑल्सो टेन टू बाई प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्राम द प्रोड्यूसर्स और होल सेलर अवॉइडिंग रिटेलर्स आप जैसे कि फाइव स्टार होटल्स हालांकि स्मॉल जितने जो छोटे होटल्स होते हैं या लोकल होटल्स होते हैं ये भी जो सामान होता है प्रोडक्ट होता है डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीद लेते हैं या फिर होलसेलर से खरीद लेते हैं रिटेलर्स को अवॉइड करते हैं इनकी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है दिस हैज़ चैलेंज द ट्रेडिशनल मार्केट सेटअप और इसने जो है ट्रेडिशनल मार्केट जो पारंपरिक मार्केट शुरू से चली आई है उसको चैलेंज कर रखा है द ग्रोथ ऑफ़ सुपर मार्केट्स हैज़ इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग एंड हैज़ अफेक्टेड द रोल ऑफ अ होलसेलर और जो ग्रोथ है सुपर की ये इंक्रीज हो गई है ना ये इसका विकास हो गया है और जो महत्वता है डायरेक्ट मार्केटिंग की इसने इफेक्ट किया है होलसेलर के रोल को नेक्स्ट इज फार्मर्स एंड द मार्केट्स द एक्चुअल प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉप्स आर द फार्मर्स हु नॉट ओनली स्पेंड मनी बट ऑल्सो देयर टाइम एंड एफर्ट टू ग्रो द प्रोड्यूस अब जो एक्चुअल प्रोड्यूसर होता है किसी भी फसल का वो कौन होता है किसान होता है कि, तो और वो जो कि ना ही सिर्फ पैसा खर्च करता है पर अपना टाइम और एफर्ट भी उस कमोडिटी को उस क्रॉप को ग्रो करने में उसको प्रोड्यूस करने में लगाता है इट इज़ ऑन देयर प्रोड्यूस दैट द एंटायर मार्केट सिस्टम रेस्ट और उन्हीं के जो प्रोड्यूस होता है उसी पे पूरी मार्केट जो है वो चलती है येट दे आर द वंस हु रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और वही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि आखिरी में सबसे कम अमाउंट उन्हें प्रॉफिट का मिलता है द फार्मर्स डू नॉट ऑलवेज वॉन्ट टू सेल देयर प्रोड्यूस टू होल सेलर जो किसान होते हैं वो हमेशा ये नहीं चाहते कि वो अपना सामान जो है जो प्रोड्यूस उन्होंने किया है उसे होलसेलर को बेचें दे वुड रैदर वेट फॉर बेटर डील्स वो अच्छी डील्स के लिए इंतजार करते हैं हाउ एवर एज क्रॉपिशेबल एंड देर इज शॉर्टेज ऑफ ग्रेनरीज द फार्मर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव टू सेटल ऑन डील विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियट्स अब वो बहुत ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं सकती क्योंकि क्रॉप्स जो हैं वो पेरिशेबल होते हैं जब ज़्यादा टाइम तक रखने पे वो खराब हो जाता है तो इसलिए और ग्रैनरीज की शॉर्टेज की वजह से किसानों को जो अच्छी डील्स मिल रही होती हैं इंटरमीडिएट्स की मदद से उस पर सेटल करना पड़ता है एज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर सब्स सब्सिस्टेंस फार्मर्स एंड ग्रो करॉप्स टू फुलफिल देर बेसिक नीड्स दे कैन नॉट वेट फॉर टू लॉन्ग और कुछ किसान तो ऐसे होते हैं जो कि सब्सिस्टेंस फार्मर होते हैं मतलब वो कुछ इतन, इतना ही क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिससे वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाते हैं दस द सेल देर प्रोड्यूस इन द होल सेल मार्केट और इसी वजह से वो अपना प्रोड्यूस जो है वो होल सेल मार्केट में बेच देते हैं इंटरमीडिएट इज ट्राई टू बाय द प्रोड्यूस एट चीप रेट्स एंड पे अबाउट फिफ्टी सिक्सटी परसेंट टू द फार्मर्स इंटरमीडियट जो हैं वो क्या करते हैं कोशिश करते हैं कि उस प्रोड्यूस को सस्ते से सस्ते रेट पर खरीद लें और उसका फिफ्टी सिक्सटी परसेंट ही किसान को देते हैं एज द नंबर ऑफ सेलर्स इज़ यूजली मोर दैन द बायर्स द डील इज़ नॉट फेयर टू द फार्मर्स अगर जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो ज़्यादा हैं बायर से मतलब जो बेचने वाले हैं वो खरीदार से ज़्यादा हैं तो डील जो है वो फेयर नहीं होती है फार्मर्स के लिए हाव एवर बिकॉज ऑफ वेरियस न्यू इनिशियेटिव एंड स्कीम्स द फार्मर और द प्रोड्यूसर इज बिकमिंग मोर अवेयर अब हालांकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स और स्कीम्स की वजह से जो किसान हैं वो अब और जो प्रोड्यूसर है वो अब ज़्यादा जानकार हो गए अवेयर हो गए हैं तो एन जी ओज़ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट इनिशिएटिव्स लाइक आई टी सीज़ ई चौपाल हेल्प टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग फार्मर्स विच फैसिलिटेट्स फेयर ट्रेड अब एन जी ओज हैं कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि आई टी सीज ई चौपाल ये हेल्प मदद करते हैं किसानों को जानकार बनाने में जो कि सही व्यापार करने में उन्हें मदद करते हैं द इंटरेस्ट ऑफ़ द प्रोड्यूसर इज गिवेन ड्यू इम्पॉर्टेंस एंड द होल सेलर्स और इंटरमीडियरीज आर नॉट अलाउड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैम और जो इंटरेस्ट है प्रोड्यूसर का वो उसे दिया जाता है और उन्हें महत्वता दी जाती है और जो होल सेलर्स और इंटरमीडियरीज होते हैं उन्हें उनका एडवांटेज नहीं लेने दिया जाता है। किसानों से उनका एडवांटेज नहीं लेने दिया जाता है और उनको अवेयर किया जाता है इन स्कीम्स के माध्यम से नेक्स्ट इज़ ई चौपाल ई चौपाल इज एन इनिशिएटिव ऑफ अ कंपनी कॉल्ड आई टी लिमिटेड फॉर द फार्मर्स ई चौपाल जो है वो एक इनिशिएटिव है कंपनी का जिसे कहा जाता है आई टी सी लिमिटेड किसानों के लिए ये एम्स एट गिविंग अप टू डेट एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग इंफॉमेसन टू डेम और ये इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि ये अप टू डेट एग्रीकल्चर कृषि की और जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन है जानकारी है वो किसानों को प्रोवाइड करती है द स्कीम इंस्टॉल्स कंप्यूटर्स विद इंटरनेट एक्सेस इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया ये जो स्कीम है ये कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करती है इंटरनेट के साथ जिसमें इंटरनेट भी चलता है ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया के इट इज़ अ वेब बेस्ड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड प्रोड्यूस और ये वेब बेस्ड इनिशिएटिव है जो कि किसानों के और प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है इन दिस इनिशिएटिव द फार्मर्स कैन डायरेक्टली नेगोशिएट विद अ कंपनी होटल और पोटेंशियल बायर इस इनिशिएटिव के द्वारा किसान जो है वो डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकता है कंपनी के कंपनी से होटल से या फिर पोटेंशियल बायर से जो खरीदार पोटेंशियल है दे ऑल्सो गेट इफॉर्मेशन ऑन अप टू डेट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन द मार्केट और इन्हें जानकारी मिलती है अप टू डेट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं मार्केट में उनके बारे में ट्रेंड्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन अप टू डेट इन्हें मिलती है दिस इनिशेटिव हैज़ बेनिफिटेड मिलियन ऑफ़ फार्मर्स और इस इनिशेटिव ने मिलियन ऑफ़ फार्मर्स को बेनिफिट किया है हेल्प की है लोकल फार्मर कॉल्ड संचालक Sanchalak runs the ही ऑपरेट्स he कंप्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ behalf of ITC फॉर द फार्मर्स एक लोकल फार्मर जो होता है किसान जिसे कहते हैं संचालक वो सेंटर को चलाता है जहाँ पे वो ऑपरेट करता है कंप्यूटर को किसके बिहाफ पे ITC टी सी के बिहाफ पे किसानों के लिए द फार्मर्स गेट इंफॉर्मेशन इन दर लोकल लैंग्वेज ऑन वेदर एंड मार्केट प्राइजेस एंड नॉलेज अबाउट साइंटिफिक फार्म प्रैक्टिसज एंड रिस्क मैनेजमेंट और जो किसान हैं उन्हें जानकारी मिलती है उनकी लोकल लैंग्वेज में उनके क्षेत्रीय भाषा में वेदर पे मार्केट के प्राइस के बारे में और उन्हें जानकारी दी जाती है साइंटिक साइंटिफिक फार्म प्रैक्टिसेस की और रिस्क मैनेजमेंट की ई चौपाल ऑल्सो तो फैसिलिटेट्स द सेल ऑफ़ फार्म इनपुट्स एंड परचेज ऑफ़ फार्म प्रोड्यूस फ्राम द फार्मर्स और ई चौपाल जो है वो फैसिलेट करती है फैसिलिटेट करती है सेल को जो कि फार्म इनपुट्स की होती है और जो भी परचेज होता है फार्म प्रोड्यूस का किसानों से उसमें भी ये हेल्प करती है द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडियरी और होल सेलर ट्रांजेक्शन गेट्स रिड्यूस्ड देयर बाई इंक्रीजिंग द फार्मर प्रॉफिट और जो कॉस्ट होती है इंटरमीडियरी की होल सेलर ट्रांजेक्शन की ये कम हो जाती है क्योंकि ये इंक्रीज़ करती है फार्मर्स के प्रॉफिट को क्योंकि जब फार्मर्स जानकार हो जाते हैं तो वो इंटरमीडिएट्स को या होल सेलर्स को डायरेक्ट नहीं सेल करते हैं और इससे उनको प्रॉफिट होता है ट्रेडिशनल मिडल मैन कॉल्ड समयूजक्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व और ट्रेडिशनल मिडल मैन जो कि बीज बीज के माध्यम होते हैं ठीक है उन्हें क्या कहा जाता है समयोजक्स वो भी इन्वॉल्व होते हैं हावएर नाउ दे कांट एक्सप्लॉयड द फार्मर्स एज द स्कीम हैज़ एम्पावर्ड दैम और ये किसान को अब एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि स्कीम से उन्हें जानकारी मिल गई है और उनसे वो एम्पावर्ड होते हैं ठीक है किसान जो हैं अब जानकार हो गए हैं नेक्स्ट इज कॉपरेटिव मार्केटिंग समटाइम्स फार्मर्स विद सिमिलर इंटरेस्ट फॉर्म एन एजेंसी कभी कभी क्या होता है जो किसान होते हैं जिनका इंटरेस्ट एक ही जगह होता है वो एक एजेंसी को फॉर्म करते हैं कुछ किसान मिलके दिस एजेंसी इज ओन्ड एंड रन जॉइंटली बाय इट्स मेंबर्स विद द सोल पर्पस ऑफ सेलिंग देयर प्रोड्यूस एंड अर्निंग बेटर प्रॉफिट और ये जो एजेंसी है ये ओन करती है और रन करती है जॉइंटली मतलब अपने मेंबर्स के द्वारा जॉइंटली इसे चलाया जाता है इस मकसद से कि वो अपना प्रोड्यूस को सेल कर सकें और उससे ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें मिले इट इज़ टर्म्ड एज अ कोऑपरेटिव और इसे कोऑपरेटिव कहा जाता है ऑल द प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अमंग द मेंबर्स और जितना भी प्रॉफिट आता है वो मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है दिस हेल्प्स देम टू रिड्यूस द डिफरेंसेस एंड दे आर एबल टू पिट देम सेल्व अगेंस्ट द होल सेलर एज अ सिंगल पावर और ये उनको मदद करता है कि जो आपस में भेदभाव है डिफरेंसेज हैं उसे खत्म किया जा सके और इससे जो है वो होल सेलर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं और अकेले ही वो सब सिंगल पावर उनके पास आ जाती है और अच्छा प्रॉफिट उन्हें मिलता है दिस कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर गिव फ्रीडम टू फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट और ये जो कॉपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उन्हें आज़ाद करता है किसानों को आज़ाद करता है एक्सप्लॉयटेशन से मार्केट में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव आर क्रिएटेड बाई फार्मर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो है वो किसके द्वारा क्रिएट की जाती बनाई जाती है किसानों के द्वारा या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज के द्वारा दे गिव इंफॉर्मेशन टू देयर मेम्बर्स अबाउट सीड्स पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स मशीनरी एक्सेट्रा एंड ईवन सप्लाई ऑल दीज टू दैम और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो है ये किसके द्वारा क्रिएट होती है फार्मर्स या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज के द्वारा और ये जानकारी देती है अपने मेंबर्स को सीड्स के बारे में पेस्टिसाइड्स के बारे में फ़र्टिलाइजर्स के बारे में मशीनरी के बारे में और ये इन सबको सप्लाई भी करती है ये सारी चीज़ें को ऑप्टेक्स ऐपको एंड अमूल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच कोऑपरेटिव्स दैट कलेक्ट प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट्स एंड ब्रिंग इट टू द मार्केट को ऑप्टेक्स एपको और अमूल जो हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन कोऑपरेटिव्स के जो कि प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स को और उसे मार्केट में लेके आते हैं सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच नाउ वी हैव फिनिश्ड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स